बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की प्यारी बातें पढ़ेंगे। नंबर एक, सलाम करने में पहल करने वाला बेहतर है। प्यारे बच्चों, सलाम का मतलब है दूसरों पर सलामती भेजना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम भी सलाम करने में पहल किया करते थे। जो पहले सलाम करे उससे ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। नंबर दो, आपस में बोल चाल बंद मत करो। बच्चों, लड़ाई झगड़ा करना अल्लाह और उसके नबी के नज़दीक इंतहाई नापसंदीदा अमल है। अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो दरगुजर करना चाहिए और कतई ताल्लुकी नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे से बोल चाल रखनी चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की प्यारी बातों में से एक बात ये भी है, झगड़ा करने वाला शख्स अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा है। प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम भी किसी से झगड़ा नहीं किया करते थे। हमें भी चाहिए कि हम किसी से झगड़ा ना करें, क्योंकि ये अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा अमल है। नंबर चार, दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। बच्चों, मुसलमान होने के नाते हमें चाहिए कि अगर हम किसी को तोहफे के तौर पर कोई चीज़ दें तो ख्याल रखें कि वो चीज़ दें जो हम अपने लिए पसंद करें। नंबर पाँच, जुमा के दिन गुसल करो, मसवाक करो और खुशबू लगाओ। बच्चों, जुमा तमाम दिनों का सरदार है। इस दिन की बहुत फजीलत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जुमा के दिन ख़ास तौर पर एहतमाम फरमाया करते थे। गुसल करते, मसवाक करते, अच्छा लिबास पहनते, खुशबू लगाते और सुरमा लगाते थे। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम इन सुन्नतों पर अमल करें। नंबर छः, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने वाला जन्नत में जाएगा। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की प्यारी बातों में से एक बात सिला रहमी है। अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत, तावन और हमदर्दी के जज्बात रखने चाहिए, क्योंकि ये अमल हमें जन्नत में ले जाएगा। नंबर सात, तुम में से अच्छा वो है जिसके इखलाक अच्छे हों। बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हुस्ने इखलाक के अमली नमूना हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के उस्वा हुस्ना पर अमल करते हुए अपने इखलाक बेहतर बनाएं और हर किसी के साथ अच्छे इखलाक से पेश आएं। नंबर आठ, अल्लाह ताला मेहरबान है और वो मेहरबानी को पसंद करता है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला की बेशुमार सिफात में से एक सिफ्त ये है कि वो अपनी मखलूक पर बहुत मेहरबान है और वो उन लोगों को पसंद करते हैं जो दूसरों पर मेहरबानी करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की प्यारी बातें पढ़ चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन बातों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करके इन पर अमल करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारा शौरे इस्लामियात का सिलेबस मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह अब हम इसकी दोहराई करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।